हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर सिंह और सभी का द यूनिवर्स स्टडी एंड वंडर्स में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो मैं बहुत ही जल्दी बना रहा हूं, बहुत ही इमरजेंसी बना रहा हूं, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, पुलवामा टेरर अटैक के बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री लगातार बयान कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बदला लेंगे और पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। और इसी बीच एक रिपोर्ट आई है कि NIA ने अब FIR दर्ज करा सकते हैं NIA वाले, क्योंकि अब उन्हें सारी रिपोर्ट सौंप दी गई है, सारी जांच की रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है। जैसे कि अभी तक जांच चल रही थी, आप सभी को मालूम है पुलवामा में हमारे NIA के 12 लोग गए थे वहां पर और सारी जांच कर रहे थे। जैसे कि अब उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच और विस्फोट की सारी जाँचें अब उन्हें सौंप दी गई है, और इस वजह से आज से अब वो FIR दर्ज करा सकते हैं। अभी तक FIR इसका दर्ज नहीं किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, और अब वहाँ पे अब FIR दर्ज किया जा सकता है NIA के द्वारा। अगर आपको NIA के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको NIA के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यह भारत में आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है, जो कहीं भी अगर कहीं भी कुछ भी होता है, कोई आतंकी हमला कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जाकर वह जाँच करती है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सौंपती है। और अब यहाँ पर भी जांच की जा चुकी है, अब इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, अब ये FIR दर्ज करा सकती है। और आपको रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। आपको बता दें कि ISI वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी है आतंकवादियों को, वो ISI ने ही दी है, और अभी भी वहाँ के घाटी में ISI के कुछ आत्मघाती आतंकी वहाँ पर मौजूद हैं, और अभी भी वो कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से सभी वहाँ पर सेना तैनात है और हमेशा सतर्क रहती है कि कुछ भी ना हो पाए। और अभी भी वहाँ पर हमले लगातार चल ही रहे हैं। अभी आपको खबर तो सुने होंगे कि 3 आतंकी फिर मारे गए हैं, और उसमें हमारे सैनिक फिर से कुछ शहीद हो गए हैं, 3 उसमें 4 सैनिक शहीद हुए हैं और 1 मेजर शहीद हो गए हैं। तो ये सब जानकारी तो लगातार चली रही है, और यही था हमारा वीडियो। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।